सोनकच्छ के पीपलरावा पहुंचे पूर्व मंत्री विधायक सज्जन सिंह वर्मा बोले, हमारी सरकार आने पर महिलाओं को देंगे 1500 रुपए और गैस टंकी 500 रुपए में। शुक्रवार को पीपलरावा में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा स्थानीय बस स्टैंड पर समरसता संवाद एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा रहे। वर्मा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम भोपाल में प्रबुद्ध जन विचारक के साथ बैठते हैं तो बातें निकल कर आती हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा आरएसएस ने जो सर्वे कराया है उसमें भाजपा की मात्र 60 से 70 सीटें आ रही हैं। 18 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब याद आई कि बहनों को 1000 रुपये देंगे। हमारे नेता कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की हर महिलाओं को 1500 व 500 रुपये में गैस सिलेंडर राशन किट भी देंगे। वहीं पत्रकारों के सवाल पर कहा कि कांग्रेस देवास में कितने व प्रदेश में कितने सीटें जीत रही है। जवाब में वर्मा ने कहा कि हम देवास की 500 सीटें जीत रहे हैं, प्रदेश में कम से कम 160 सीटें जीत रहे हैं। इस तरीके से चल रही है, मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ है, क्योंकि छल कपट से कमलनाथ की बढ़िया चलती हुई सरकार को भ्रष्टाचार के पैसे से शिवराज चौहान ने गिराया है। आज मेरे प्रदेश का किसान सबसे ज़्यादा दुखी है, किसान का पढ़ा लिखा बेटा वो सबसे ज़्यादा दुखी है, महिलाएं महंगाई की मार से परेशान हैं। ये तमाम सारी फैक्टर हैं, हमने अपने बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता तैयार कर लिए हैं जो काम में लगे हैं। और ये तो 18 साल बाद शिवराज को तो बहनों की याद आई, जब वोट का टाइम आ गया तो वोट कैसे कबड़ू, 1000 रुपये महीने देंगे। कमलनाथ ने कहा मैं भी तुम्हारा पिता हूँ शिवराज, मैं 1500 दूंगा और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दूंगा और राशन की किट भी देंगे हम लोग। सर, आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, हरदा बैतूल और नर्मदापुरम से छिंदवाड़ा जिले का प्रभारी बनाया गया था, पीछे से जब कमलनाथ कर रहे थे। हाँ देखिए, डिबेट तो जवाबदारी दी है और हम लोग एक प्रहरी की तरह वहाँ पे काम करते हैं, अच्छे लोगों की रिपोर्ट लाते हैं, अच्छे लोगों को करके कमलनाथ जी को देंगे ताकि हम विजय श्री हासिल कर सके। मध्यप्रदेश सरकार आता है। सर, आखिरी सवाल, देवास जिले में कितनी सीट कांग्रेस जीत रही है? अब ये तो संख्या मुख्या तो बताना, वैसे तो एक बार तो हम 5 जीते थे, हमारी घोषणा से फिर 5 जीते, तो आप समझते देवास में कोई महान अभिनेत्री नेत्री आ गई हैं वो हारेंगी, ऐसा नहीं है। आज वे पुल का उद्घाटन कर रही हैं, गायत्री देवी वहाँ की MLA, उनसे कसम दे के पूछो कि ये सज्जन वर्मा की देन है, तुम्हारे मेहनत से लाई हुई। सज्जन वर्मा PWD मिनिस्टर ने, मैंने पैसा दिया, मैंने टेंडर किया, मेरी वजह से पुल बना, उद्घाटन गायत्री देवी कर। तो बच्चा बच्चा जानता है कि झूठ की दुकान चल रही है देवास शहर में, अब उनका जीतना बड़ा। आखिरी सवाल सर, कितनी सीट आ रही है मध्य प्रदेश में सरकार? ये हम तो लगभग समझ रहे हैं कि कम से कम 160। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।